आइए सर। अब सुने आप जाके सांस आपको बोले कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ, बस कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ। ठीक है जी, आ रहा हूँ मैं। हेलो। हाय, वो तो चली गई है। अब ना तू आ जा मेरे पास, सच्ची मैं तेरे लिए बड़ी दास हूँ, इतने दिन से तेरी शक्ल ही नहीं देखी। अम्मा बस कल ही छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ, जैसे ही छुट्टी मिलेगी फौरन आ जाऊंगा। है छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ? क्यों भाई, तू तो खुद इतना बड़ा अफसर है, कुछ से काम है भला? रोब शोब रखा कर ये कौन सा तरीका है? अम्मा ऑफिस तो अपना है, लेकिन रूल्स भी तो कोई चीज होती है ना। ऑफिस के रूल्स हैं, वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे छुट्टी मिलती है मैं आता हूँ। हाँ ये तो है। अच्छा सुने। हाँ। अपनी गाड़ी पे आऊंगा मैं। हे मैं सदके जावा, बिस्मिल्लाह 100 बारी जम जा मां, लमिया नसीब करे तेरे। आजा आजा मां सदके आजा। जी अम्मा। जल्दी आए, आपको बुला रहे। अच्छा अम्मा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अम्मी कौन आ रहे, मुझे तो बताएं। तबरेज आ रहा है कल। अच्छा, गाड़ी पे है? वो भी अपनी गाड़ी पे? सच्ची अम्मी? हाय मैं तो बड़ा घूमूंगी। अम्मी आपको तो पता है शफक और खाला तो सड़ी जाएंगी। सड़ के 100 हो जाएंगी। हाँ। हाय मुझे ये हो रहा है कि देखना हम कैसे गड्डियों की बातें कर रहे हैं। तरस गए थे हम ऐसी बातों को, अल्लाह ने हमारी सुन ली, दिन फेर दिए हमारे। पर उन दोनों को अफसोस भी तो होगा, कहती होंगी तबरेज भाई की जगह उर्फी से क्यों रिश्ता जोड़ लिया। हाँ ये तो सही है। अच्छा सुन मेरी बात, तूने उर्फी को बिल्कुल नहीं बताना तबरेज की ये शहर वाली शादी के बारे में। क्यों पागले, उसके पेट में कोई बात रहती है फौरन सास को और बीवी को बता देगा और सारी बुलादरी में ढूंढ जाएगा। और फिर वो अदन बेगम जो है ना, वो बेचारी कहेंगे हाय बेचारी अदन, हाय बेचारी अदन। तुझे पता है ना बुलादरी का कैसे बातें सुनाएंगे। वो तो अच्छा हुआ कि उर्फी उसको छोड़ के तो अपने दोस्त के गाँव चला गया। मेरी भी मत मारेगी जल्दी में, मैं उस गिटक से कुछ बनवा ही लेती। कल तबरेज आ रहा है, अब क्या करेंगे? मेरे से तो नहीं बनता, बाजार से मंगा लेंगे। हाँ सही है अम्मी, बाहर से मंगा लेना। हाँ अब मेरी प्यारी बेटी में सबके जाओ, एक प्याली चाय का तो बना। हाय नहीं मैं तो लोशन लगा, हाथ खराब हो जाएंगे मेरे, काम चोर फोड़ गएगी। घर की रौनक रोशनी आ गई। आजा बैठ मेरा बेटा, तूफान आजा। जी बैठ। सफर ठीक रहा ना? जी ताए जी, बहुत आराम से पहुंच गए। शुक्र अल्लाह। लो भाई रोटी शोटी की तैयारी करो। ताया जी वो मैं तो, एक दोस्त है मेरा जफरवाल में रहता है, उसने दावत रखी हुई है तो उसके पास जाना पड़ेगा। दो एक दिन रुकूंगा फिर वापस आ जाऊंगा, फिर करेंगे ना यहाँ दावत। यार एक ही गल हुई, लाइया कितने थे निभाइया कितने। वैसे ताया जी कितना दूर है जफरवाल में? 40-45 मील है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है फिर तो अभी निकलना मुनासिब नहीं है, सुबह ही निकलूंगा। हाँ जैसे ठीक लगे, लेकिन यार ये जाने की बात कर दी तुमने। हाँ ये तो पुत्र तू हमारे पास नहीं ठहरेगा, बच्चे तो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे तेरा। गुजारेंगे ना वक्त ताई जी, जरूर गुजारेंगे। आज रात को हम खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे, और फिर जब मैं अदन जी को लेने आऊंगा उस वक्त और ज्यादा खेल कूद कर लेंगे। क्यों? मैं जरा किचन में देख लूं खाने का। वासुदेव ये जाने दे, तेरी मेहरबानी, बैठ आराम से। नहीं नहीं इतने बड़े आदमी की बीवी से हम काम कराएंगे भला? हैं मेरा मतलब लाया है कि तू पेके घर आई है कुछ दिनों वास्ते, बै कम शम होते रहेंगे। ताई जी कर दे, बड़े काम कर लिए, मेरा अपना घर है, बैठ जाती है, बैठ जा बस। हाँ बैठ, ठंडा चाह तो कुछ। हाँ हाँ बैठ पुत्र बैठ जा, मैं मदद कर देती। बस कर दे। ये तेरिया चूड़िया सोनिया ने, सोने दिया ने? जी जी किसने दिया? मेरी सस ने दी, सस ने दी। आप तुसी बैठो, मैं चलो ठीक है आप जा रहे हैं जी?
बस वो काफी दूर जाना है ना, तो मैंने सोचा वक्त से निकल जाऊं। अदन जी, ये खवातीन खैरियत से आई थी? जी जी, ये गांव की हैं, यहाँ आसपास ही रहती हैं। रात को पता चला कि मैं आ गई हूँ, तो सुबह सवेरे मुझसे मिलने आ गई। ये सब की सब आपसे मिलने आई? कमाल है अदन जी, तो बड़ी मशहूर है। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, सियासत में खड़ी हो जाइए, इलेक्शन जीत जाएंगी आप। गांव में सब ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। सब मुझसे पूछ रही थी तबरेज के बारे में कि वो आए क्यों नहीं। रस्म होती है ना, सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी उनका। लेकिन मैंने बता दिया कि वो तो शहर में वहाँ जॉब कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास इतना टाइम कहाँ है। हाँ तो ऐसा ही तो है, जॉब पे है, शहर में काम करता है, मेहनत कर रहा है बहुत। जी आप जाइए, आप जाइए, इनके पास अच्छा नहीं लग रहा, सब आपका वक्त जा रही होंगी ना। ताया ताई को बता दीजिएगा कि ताई जी सो रही थी और ताया जी किसी काम से निकल गए थे, रुक सकता तो जरूर उनसे मिलकर जाता। चलता हूँ मैं, बता दूंगी उन्हें। खैरियत से जाइए। आप भी खैरियत से रहिएगा। अरे बच्चो आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रहने दे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं आप जाए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रहमान रहीम, एक दो तीन चार। ये क्या कर रही हैं अम्मा आप? हाय अल्लाह भाई, इतनी बड़ी गाड़ी मम्मी। नहीं देखिए भाई, सच सच बताएं, ये हमारी है, किस दोस्त की लेकर आए ना? मेरी अपनी गाड़ी है, सुंबुल ने मुझे दी। वैसे तुम भी ना जूही, गाड़ी को देती भाई को भूल गई? नहीं भाई, आपको कैसे भूल सकती हूँ। कैसी हो? हे सबके जाओ, अच्छी है ना अम्मा? बहुत प्यारी, तेरे जैसी सबके जाओ। अम्मा सुंबुल भी बहुत अच्छी है, जरा भी गुरूर नहीं उसमें। अच्छा, और आप लोगों से मिलने के लिए तो बेचैन है वो। तो जाहिर है भाई, हम जाएंगे तो बात बनेगी ना, आखिर उनके किस्मत के फैसले हम ही तो करने। वो मैंने बताया था इसको, खुश हो रही थी, बड़ी बेचैन है मिलने के लिए उससे। अच्छा, ये बताओ यार कि हम शहर कब जा रहे हैं इस गाड़ी में बैठ के? सब्बा बहुत जल्द, मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों ने आते ही मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। जूही चाय तो पिला दो कम से कम मुझे। जा जा के चाय बना भाई के लिए। हाँ ये गाड़ी देखूं कि चाय बनाऊं। अच्छा ठीक है, लेकिन वादा करें कि चाय बनाने के बाद आप गाड़ी पे सैर कराने लेके जाएंगे। अरे हाँ बाबा, ले जाऊंगा बाहर, चाय तो पिला दो। अभी आई। जूही तो खुशी से पागल ही हो गई है। अच्छा अब बता उसके अब्बा जी क्या कहते? कहना क्या अम्मा, वो तो दिलो जान से राजी है। अब बात सुनो तो प्लीज, तूने तब तक कोई रस्म नहीं करनी जब तक हम उनसे मिल ना लें, अपनी तसल्ली ना कर लें, क्या समझा? जी अब्बा। शाबाश। मैं तो कहती हूँ अल्लाह की कसम हम साथ ही चले चलते हैं, जाके बात तय करते हैं, तारीख पाते हैं, नेक काम में देर कैसी। ओए बना लेते हैं प्रोग्राम, देखना पमी। नहीं नहीं अब्बा, इस तरह अचानक नहीं प्रोग्राम बना सकते, मुझे उसे पूछना पड़ेगा। मेरा मतलब कि सुंबुल के जो वालिद हैं वो बहुत मसरूफ इंसान है, कभी किसी मुल्क में होते हैं, कभी किसी मुल्क में। मीर आदमी है ना, मीर। उनसे वक्त लेके मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर आप लोग आ जाएगा। वैसे उर्फी नजर नहीं आ रहा घर में, कहीं कहीं गया भाई? वो उर्फी गया है पिंड दुर्योधन को छोड़ने पे के। साथ कह रहा था मैं अपने दोस्तों के पिंड भी हो आऊंगा, तुझे बताया तो था। और चाली यार अंदर तो चल, आजा, वैसे रंग बहुत सोना है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा जंगटी को छोड़ के जाने को। क्या बात है, अभी फिर हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है? हाँ आजो आजो। सर बीपी भी नॉर्मल है और फीवर भी नहीं है अभी ने। ठीक है आप यही दुआएं इनकी कंटिन्यू करें, फ्रैक्चर है इनको। जी कैसी हैं बीबी, अब तबीयत ठीक है आपकी? क्या तनवीर रिहा हो गए? अब इतनी बड़ी खुशखबरी है, ऐसे कैसे सुनाऊंगा। फोन करना है,
घर से किसी को बुलाना है। ठीक है, आप इनको फोन करा दीजिए। जी सर, मैं अभी लेके आती हूँ। सुने, आप सो गए हैं? वो मैं पानी लाई थी। आप भाई, भाई अम्मा पूछ रही थी सुबह नाश्ते में हलवा पूरी मंगवा लूं। हाँ ठीक है, मंगवा लो। ठीक। अच्छा सुनो। हाँ? वो कैसी है? वो कौन? दुर्योधन, तुम्हारी भाभी। ठीक ही होगी, वैसे मैंने कभी गौर ही नहीं किया। हाँ लेकिन जब मेरी असल वाली भाभी आएगी तो जरूर चाव पूरे करूंगी। वैसे भाई आपकी तो लॉटरी निकल आई है। ये दुर्योधन कसम से बहुत ही काम चोर है, सारे काम हम पे छोड़ के चली जाती है। देखो कितना गन डाला है, कहा भी है कि अम्मा बीमार रहती है। तोहफा और बताओ, मलेशिया का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा यार, पर तुम साथ चलती तो और ज्यादा मजा आता। हम दोनों साथ में मिलके बहुत ज्यादा शॉपिंग करते, घूमते फिरते, एंजॉय करते। लेकिन तुमने तो साफ मना कर दिया था मुझे भाई। वेल आई न्यू दैट कि तुम अपनी फैमिली के साथ जा रही थी, तो मैंने सोचा हम फिर कभी प्लान कर लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो यार, तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और पता है शादी ने तुम्हें कितना मिस किया? मेरा बेचारा भाई पूरी ट्रिप पे गुमसुम सा रहा है। तब्रेज की कॉल आ रही। कौन तब्रेज? हेलो, बोलो। क्या कहूँ, तुम्हारी याद में मुझे कुछ कहने के काबिल कहाँ छोड़ा है। जब कहने को कुछ नहीं है तो फिर कॉल क्यों की? तुमसे ये पूछने के लिए। तुम्हारे इस ताल्लुक को नाम कब तक मिल सकता है संभल? ये तो डैड ही बता सकते हैं। हाँ तो इसी सिलसिले में तो मैंने तुम्हें फोन किया है। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे फादर से मिलना चाहते हैं यार। या श्योर, वो कभी भी आ सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तुम अपने डैड से बात करो, वो जिस दिन फ्री हैं बता दें, मैं अपने पेरेंट्स को बुला लूंगा। तब्रेज, मेरे डैड बिलियंस की डील भी छोड़ सकते हैं मेरे लिए। यू जस्ट डोंट वरी, तुम बस अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ। ओके दैट्स ग्रेट, ओके बाय, सी यू सून। ओके बाय। ये तब्रेज कौन है और ये क्या बात हो रही थी तुम्हारी? अस्का, मेरा रिश्ता तय हो रहा है। तुम्हें पता है ये रिश्ता डैड की मर्जी से हो रहा है, और जो तब्रेज है वो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। ये सब यूं अचानक? क्या ये तुम्हारे कोई रिलेटिव्स से हैं? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, इस वक्त के लिए सब सरप्राइज है। ओके, जब तुम मिलोगी तब्रेज से तो खुद ही जान लोगी। तो तुमने शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा क्या? नो वे,
कैन यू प्लीज चेंज द टॉपिक? अच्छा मुझे बताओ, मोना से बात हुई, उसका मूड क्यों इतना ऑफ है? ठीक है, वो खैरियत से है, इट्स ओके. आर यू ओके? या नाउ वी कैन चेंज टॉपिक, इट्स ओके. कम ऑन इसका प्लीज. यू वांट समथिंग, योर फेवरेट? नो थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू. भाभी, अनिला भाभी, उठे. तुम आ गई, शुक्र है तुम आ गई. माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो. जिस्म के जख्म इतनी तकलीफ नहीं दे रहे जितना ये एहसास तकलीफ दे रहे कि मैं तुम्हारे बारे में कितना बुरा सोचा. ये जानती हुए भी कि तुम बेकसूर हो, मजबूर हो, मुझे माफ कर दो. मैं बहुत बुरी, बहुत बुरी. मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है. जो जुल्म तुम करने जा रही थी, इन्हें अल्लाह ने मुझे बचा लिया. उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बदुआ नहीं दी. मैंने तो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचा है. शायद इसीलिए मुझे इसी गुनाहगार का दामन तार तार होने से बच गई. बस चुप चुप हो जा, मत रो. मैंने तुम्हें माफ किया, सब ठीक हो जाएगा. तुम देखना, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा. के आके लगता है बहुत खुश हैं आप. अस्सलाम वालेकुम. आप? फेंके में तो हर लड़की खुश होती है. आप बताएं ना, कैसा गुजरा दोस्तों के साथ वक्त? दोस्तों के साथ मेरा वक्त तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आपका अच्छा वक्त तो शुरू हो गया ना. खुशखबरी मिल गई ना आपको? कौन सी खुशखबरी? तबरेज घर आया हुआ आपका इंतजार कर रहा है. क्या सच? हाँ. लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया. आप ही मुझे बता देते, कॉल कर देते. मुझे पता होता तो मैं तो तायबू के साथ फौरन घर पहुंच जाती. अदन जी, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? मुझे तो खुद सुबह पता चला ना, मेरी नौमी से इत्तेफाकन बात हुई तो उसने बताया कि तबरेज घर आया हुआ है. मैंने सोचा तबरेज ने आपको. अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझा. तबरेज ने आपको क्यों नहीं बताया? तबरेज जो है ना, बहुत तेज, बहुत होशियार. मुझे यकीन है ये आपको सरप्राइज देना चाह रहा होगा. सरप्राइज? हाँ ना, मैं झूठ कभी बोलता हूँ? बिल्कुल भी नहीं. मुझे पक्का यकीन है, इसीलिए उसने आपको नहीं बताया. फिर मैं सामान बांधूं? लगता है आपका दिल कर रहा है कि हमारी गाड़ी को ना पर लग जाए और उड़कर आप तबरेज के पास पहुँच जाए, है ना? मैं फिर सामान बांध लेती हूँ. हाँ. शीमा, शीमा चाय ले आओ.
इरफान, तूने चाय भी नहीं पी, हमारी तरफ से तू आज ही आया, तो बेटा ठहर जाना था, दो एक दिन फिर चले जाता। हाँ ताई जी, दिल तो बड़ा कर रहा है कि रुक जाऊं, लेकिन घर से बहुत दिनों का निकला हुआ हूं ना, अम्मा अब्बा और जूही बहुत याद आ रहे हैं, इसलिए आज ही जाना पड़ेगा, दोबारा चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। चलें जी। इजाजत ताई जी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह दे हवाले। ओए तुम बैग क्यों ले गए? बड़ा अच्छा लगा, फिर आती रहना है। जी आइंदा आना है ना तो तबरेज के साथ आना है। अब दुर्योधन तो ये वो तबरेज से ना वो तनवीर के बारे में भी बात करनी है आज से, है? हाँ वो तबरेज तो ज्यादातर शहर में होते हैं, मेरी बात नहीं हो पाती उनसे। नहीं तो फोन पे तो हो सकती है ना बात। बेटा उसे कहना है तनवीर का ख्याल करे, है मेहरबानी उसकी। ठीक है जरूर बात करना चाहिए, है जी। याद से भूलना नहीं है जी, है ना। चलो इरफान इंतजार कर, जरूर बात करना है। हाँ। चेक कर रहे और एसी देखें, चिल कर रहा ना, क्या बात है, हाय हाय हाय। 0 मीटर अब्बा, पनिया भी नहीं उतरी। वो जम्मू बैग रख लिया तूने? हां हां अम्मा सब रखी है, मेकअप का सामान, आईशैडो, लाइनर, शाइनर, मस्कारा, पूरे अम्मा सब रखी है। हाय मैं सबके जमा, मेरे पुत्र की गड्डी अभी तो कागज भी नहीं उतरे इसके। अम्मा मुझे भी साथ ले जाए, मैं घर अकेला क्या करूंगा। नहीं अकेला काहे का, अभी अदन आ रही है, अभी उर्फी आ रहा है, अकेला तो नहीं ना है। और अदन को पैगाम दे दे, अम्मा कह रही थी अच्छी तरह घर साफ कर ले, ठीक है। आप लोग तो सैर सपाटे करने जा रहे हैं, मुझे घर में अकेला छोड़ जाएंगे। और नमी टांट ना खाई, बेटा तुझे अगली दफा ले जाएंगे। चल पुत्र अंदर जा, चल साबर। अरे यार दिल छोटा मत कर, अम्मा आप गाड़ी में बैठे, चल ना मैं तुझे नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगा। चल चले अम्मा, बैठे बैठे बैठे। हाँ बैठ रही हूँ, ठंडी भी है और कागज तो देख। अम्मा नई गाड़ी है 0 मीटर, खुशबू भी आ रही नवी गड्डी की, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाय अल्लाह मियां जी, मैं पहुंच गया हूं जी। जी 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 सर, आपकी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है। जी 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 सर, एतबार करें सर, बस ये सामान रख के आ रहा हूं, अभी वापस कर दूंगा। हाँ हाँ बेफिक्र रहे आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नोमी? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? नोमी कितनी बुरी बात है, हमेशा कहा है दरवाजा घर का बंद रखा करो, फिर शॉर्ट सपाट खोला हुआ है। वो अभी अभी तो सारे घर वाले गए लाहौर के लिए, आप दोनों लेट हो गए हैं। लाहौर? लाहौर क्यों गए? तबरेज भाई आए थे ना, वो इन सब लोगों को लाहौर लेके गए हैं, जूही मैडम को साथ ले गए और मुझे घर छोड़ गए, लिफ्ट भी नहीं कराई मुझे कोई। आया था तबरेज? जिस दिन आप लोग गए थे ना उससे अगले दिन ही आ गए थे। कितने दिन पहले कहा आया हुआ था और उसने दुर्योधन को कुछ बताया भी नहीं। सुन मम्मी मेरा भाई, प्लीज इस बात का जिक्र दुर्योधन के सामने मत करना, उनका दिल बहुत दुखेगा, समझ रहे हो ना? हाँ शाबाश।
आ जा। हाय अल्लाह जी। हाय अम्मा। हाय मेरे रब्बा, किथे आ गए असी? हाय। हाय अल्लाह जी, मैं की करूं? आ जाएं। कैसा लगा घर अब्बा? हाय बहुत सोना है। कुकड़ियां, देसी कुकड़ियां देखी आपने? अरे कुकड़ियां नहीं थी, बतखें थी। हां बतखें भी, बतखें भी। बासु ना, हमें हमारा इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं आनू का हमारी? वो आप अंदर रूम में होगी अम्मा, आप लोग फ्रेश हो जाएं, उसके बाद फिर सुकून से मिलेंगे ना। है पुत्र, ये बतखें अपनी? सब अपने आप में, और भी बहुत कुछ। मोर भी देखे मेरे चिट्टे रंग के। सब कुछ आ जाए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाता हूँ। ये पौधों को पानी कौन देता है रोजाना? जी, वो बताना भूल गया आपको, बात हुई थी अभी नोमी से। कह रहा था कि तबरेज को बहुत जरूरी काम था इसलिए अचानक से आ गया, और अम्मा और अब्बा को भी इसीलिए साथ लेकर गया। ये भी कह रहा था कि अगर आप होती तो आपको भी लेकर जाता, हमें आने में देर हो गई ना, इसीलिए इंतजार कर करके वापस चले गए वो। लेकिन 4-5 दिन में वापस आ रहे हैं तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। आप मुझे सब्जी ला दे, मैं खाना बना दूंगी। खाना? खाना बनाने की क्या जरूरत है आपको? इतने लंबे सफर से वापस आई हैं आप बहुत थक गई होंगी। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मुझे पता है आपको क्या पसंद है, बस आराम करें। मैं यूं गया और यूं आया, फौरन फौरन। हो जब तुझे मानूं तो कैसे हो उदासी, दिल क्यों हो प्यासा मेरा, रूह क्यों हो प्यासी। हो जब तुझे मानूं तो कैसे हो उदासी, दिल क्यों हो प्यासा मेरा, रूह क्यों हो प्यासी। धारस तू कर रहा था ब्रेज़न के साथ ऐसा, ये तो ज्यादती है। अच्छा लिसन, सबसे पहले जूस सर्व करना, ओके? जी बेहतर। मैम, खास मेहमान है जी। सॉरी। सुनो, जब तक मैं ना कहूं खाना सर्व मत करना। जी अच्छा, जाओ। क्या बताया नहीं वो लोग अभी तक? इतने छोटे इलाकों के लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, वक्त की कदर ही नहीं होती इन लोगों को, इसलिए तो तरक्की नहीं कर पाते। मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरूंगा, बता रहा हूँ। ओ डैड, कम ऑन, क्या हो गया आपको? कैसे हैं वो हमारे? प्लीज ना, मूड ठीक रखें। तुम्हारी बात हुई है तब्रेज से, कब आ रहा है? You know what, Dad? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा मूड अच्छा ही रहे उन लोगों के आते ही।
टाइम मैनेजमेंट पे लेक्चर मत दीजिएगा प्लीज. ओह गॉड, आई हैव टू रेडी. मैं भी आती हूँ. रेडी होकर. ओके. या हाँ सुंबुल, हम लोग आ रहे हैं. बस बस निकल गए. आ रहे हैं. अम्मा जल्दी आ जाएं, सुंबुल की कॉल पे कॉल आ रही है. क्यों कॉलों पे काले किए जा रही है? आ रहे सर, मेकअप तो फ्रेश कर ले, इतना लंबा सफर करके आए हैं. यार तबरेज एक बात कहूं, मैं ना करी यार, तेरा ये जो घर है ना, मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया. बस ठीक ही है, मेरा मतलब है कि सही कह रहे हैं. वैसे ऐवे 5-6 कमरे ने, मैं तो समझी थी पता नहीं कितनी वड्डी हवेली होगी. अरे ये जहाँ पे आप लोग ठहरे हुए हैं ये तो गेस्ट हाउस है. शादी के बाद जहाँ मैंने और सुंबुल ने सेटल होना है, वो पोर्शन तो अलग है. अच्छा, वखरा पोर्शन. और अम्मा अगर आप वो पोर्शन देखेंगी ना तो हैरान रह जाएंगी, वो इतना जबरदस्त है. अरे वाह भाई, वैसे मेरी गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ तो बड़ी कमाल है ना. अंगूठी लेके आई हूँ, तेरा क्या ख्याल है, पहना दूँ अभी? जी जी पहना दे, उसमें क्या हर्ज है. जोड़े कहाँ था, काट ले जोड़े. नहीं नहीं निकाले, अभी ले आती हूँ. अरे रहने दो, अभी मत जाना. एहसान साहब वक्त के बहुत पाबंद हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया है, चलें. वो लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारा. और यार इतनी टेंशन मत लो एहसान साहब की, मुतासर हो जाएंगे हमसे. उनको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इतने खानदानी लड़के से उनकी बेटी की शादी हो रही है. और क्या चाहिए है, सोना खूबरू जवान. बस ठीक है, बस अब चले ना. चलो 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 चले. और सोने हो, मैं तो हमेशा ही चंगे लगे. चले चले चल भी जुड़ी चले. आ जाए इस तरफ से, आ जाए आ जाए. मच्छी वाला नहीं है, नहाई नहाई करने वाला है. आ जा. नहीं पानी चिट्टाई है, जो फर्श है ना वो नीला है, अक्स पड़ रहा है. सुंबुल को बोले कि तबरेज और उसकी फैमिली आई है. जी अच्छा. माँ क्या कर रही हैं आप, अब तो ठीक है ना घर, उनके सामने जाके कोई ऐसी वैसी बात मत कर दीजिएगा, आप लोग मेरी इंसल्ट हो जाएगी. मैं पागल हूं कोई? अब बैठ ना, ये तो खैर बहुत बड़ा है, मैंने भी बहुत पानी वाली टैंकियां बनाई हैं. तो है, ऐसी बातें मत करें, खुदा का वास्ता है आपको. मैम वो तबरेज साहब आ गए हैं अपने घर वालों के साथ, कह रहे हैं आपको इतला दे दूं. अच्छा वो लोग आ गए? जी मैम. चाहो उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आ रही हूँ. जी अच्छा. कली का खर्चा तो बहुत ज्यादा हुआ होगा. पेंट हुआ है, पेंट. आए अंदर है. वो फ्रूस चेक करो, फ्रूस तो देखने दे. हाय 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 लबे तबरेज यार, इम्पोर्टेड ही लग रहा है. इटालियन है अब्बा.
में मर गई। क्या हुआ? डैन। मैं समझा तूने शीशा देख लिया। इसको पेंटिंग कहते हैं अम्मा। देखो यार ऐसे आपस की बात है, हर चीज ही बड़ी नफासत वाली है। और फर्नीचर तो देखो यार क्या। तबरेज़ सुबुल कहते हैं? सुबुल अम्मा, सुबुल आ गई आ गई। ओए तूने कदमों से पहचान लिया। सुबुल अम्मा अम्मा सुबुल।